बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जीआई के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्लोरीन लगा दिया गया हो और ऐसे लगा दिया गया हो और इसका दूसरा फॉर्म कार्बन कार्बन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ठीक है। सेम ग्रुप सेम साइड सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड ट्रांस। सिस ट्रांस में बेसिक डिफरेंस किस बात का होता है? जैसे यहाँ सी एल सी एल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? कम रहेगा। और यहाँ पर सी एल सी एल के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। मैंने आप लोगों को सिंपल से एक बात बताया था कि भाई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होता है जब गिवन मॉलिक्यूल का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो। मैं यहाँ पर यह नहीं बोलना चाहता हूँ कि स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल हो, उसका अपियरेंस देखने में वो एक प्लेनर मॉलिक्यूल दिखाई दे। बात समझ में आ गया होगा। फिर हम लोगों ने इसके बाद यहाँ पर ऑक्साइम के बारे में पढ़ा कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई ऑक्साइम है, इसमें जीआई पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास। इस एटम से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट, इस एटम से मतलब कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ एक आर ले लिया, एक आर प्राइम ले लिया, ये कीटोन के लिए हो जाएगा। या अगर मान लीजिए हमने एल्डिहाइड लिया तो यहाँ पर एच ले लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। इससे हमको यहाँ पर जीआई मिलेगा। यहाँ पर जो नेमिंग सिस्टम होगा वो सिन और एंटी यूज होगा, ठीक है ना। एल्डिहाइड के केस में रिफरेंस हाइड्रोजन, एल्डिहाइड के केस में जो रिफरेंस हम लेंगे वो हाइड्रोजन को लेंगे OH के साथ, और कीटोन के केस में हम लोग लोअर अल्फाबेट वाले को OH के साथ रिफरेंस लेंगे सिन और एंटी नेमिंग देने के लिए। बट कई बार क्या होगा, हायर अल्फाबेट को भी सेलेक्ट करके एग्जामिनर पूछ सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल प्रीवियस लेक्चर में करा दिया है। अब हम लोग और केसेस देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए, यहाँ से आपसे बोल दिया जाए जी आई इन क्यूमलीन। सर ये क्यूमलीन क्या होता है? पहले बात समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन हो और यहां पर हाइड्रोजन हो, यहां पर हाइड्रोजन हो, मतलब दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस पोजीशन में हो, तो इसको कहा जाता है एलीन। इसको क्या कहा जाता है? एलीन। लेकिन मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कितने डबल बॉन्ड है यहां पर? तीन डबल बॉन्ड, तीन या उससे ज्यादा क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड हो यहां पर, उस केस में मॉलिक्यूल जो मिलता है उसका नाम हो जाता है क्यूमुलीन। एलीन में क्या बोलेंगे हम? एलीन में बोलेंगे टू क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, दो डबल बॉन्ड हो जो कंटिन्यूअस हो, क्यूमुलेटिव हो। क्यूमलीन्स के लिए हम क्या बोलेंगे? थ्री और मोर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, ठीक है। यहां पर ये आपको पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, कोई खतरनाक बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसा ले लिया कार्बन डबल बॉन्ड 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 कार्बन। अब यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड है जो कंटिन्यूअस है, क्यूमुलेटिव पोजीशन में है, उसको हम कहेंगे क्यूमलीन। मतलब क्यूमलीन एक सीरीज है मॉलिक्यूल्स का, जिसमें यहां पर मैंने तीन डबल बॉन्ड लिए कंटिन्यूअसली, तीन या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड्स कंटिन्यूअसली होने चाहिए, तो उसको हम कहेंगे क्यूमलीन। बात समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमको पढ़ना है यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो यहां पर हमने क्या बात किया, देखिए पहला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ दो डबल बॉन्ड अगर हो तो नाम क्या हो जाता है? दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस पोजीशन पे। जैसे मान लीजिए ऐसा ले लिया हमने
कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कार्बन, तो फिर इसको हम एलीन नहीं बोल पाएंगे, इसको एलीन नहीं बोल पाएंगे। एलीन के लिए क्या बोला गया, मैंने क्या बोला कि दो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअस पोजीशन पे हो, क्यूमुलेटिव पोजीशन पे हो। देखिए क्यूमुलेटिव मतलब होता है लगातार, कंसिक्यूटिव, एक के जस्ट बाद दूसरा। तो दो डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव पोजीशन पे हो तो एलीन, तीन या उससे ज्यादा डबल बॉन्ड क्यूमुलेटिव पोजीशन पे हो या कंटिन्यूअस पोजीशन पे हो तो उसको हम कहेंगे क्यूमुलिन। क्यूमुलिन एक सीरीज होगा। ऑब्वियस है, अगर मैंने यहाँ पर बोला थ्री और मोर क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स, तो ऑब्वियस है यहाँ पर एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। लेकिन अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, ऐसा बीच में यहाँ पर ये कुछ और सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो फिर ये क्यूमुलिन या फिर एलीन के लिए डिस्कशन का पार्ट नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, अब आगे बात करते हैं। जैसे अब हमको यहाँ पर पढ़ना हो तो हमको क्या पता है, कल के लेक्चर से हम लोगों ने सीखा है कि अगर कहीं पर भी कैसा इन्वायरमेंट हो, अगर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जी आई पॉसिबल होगा। जी आई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल। ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला यहां पर, कि अगर आपको ऐसा दिखाई दे कि स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। चलिए इसके लिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जी आई हो ही जाएगा, यहां लिखा गया जी आई इज पॉसिबल, मतलब बाकी कंडीशंस मीट करनी चाहिए। बाकी कंडीशंस मैंने क्या बताया था कि जिन एटम्स को आप स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में देखते हो उनसे उन पे एटम्स डिफरेंट होने चाहिए या वो एटम्स डिफरेंट होने चाहिए। मीनिंग अभी आप समझ जाएंगे, कल के लेक्चर पर ही बेस्ड है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर ऐसा मॉलिक्यूल ले लिया, मैं एलीन से शुरू करता हूं डिस्कशन। वैसे हमने यहां पर हमने क्यूमुलिन का हेडिंग लिखा है, बट हम एलीन से स्टार्ट करते हैं, एक और सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से कहानी स्टार्ट हो जाएगी। एक और बात यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को कि अगर मान लीजिए टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहेगा, अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहेगा जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहे अगर, तो उस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ ओ आई इज पॉसिबल। मैंने क्या बोला, अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट रहे तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाता है या हो सकता है। मैं ये नहीं बोलूँ कन्फर्म होगा ही, कंडीशंस और भी होंगे जो मैच करेंगे तभी हो जाएगा। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है या फिर कहें प्लेनर इन्वायरमेंट है तो जी आई इज पॉसिबल, क्योंकि आपको पता है भाई जी आई ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज जी आई खेल किस बात का देखता है, एरियल डिस्टेंस का देखता है। जैसे सिस हमने पढ़ा, सिस में सेम ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस कम है, ट्रांस में सेम ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, तो जीआई बात किसका करता है, एरियल डिस्टेंस का। और एरियल डिस्टेंस आपको कहाँ पर डिफरेंट मिलता है, तो आंसर है स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में मिलता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट रहेगा तो जीआई पॉसिबल होगा, बिकॉज जीआई की बात करें तो जीआई में खेल किस बात का रहता है, एरियल डिस्टेंस का रहता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट एरियल डिस्टेंस एरियल डिस्टेंस ठीक है, ऐसा इसलिए लिख दो, बिकॉज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैव डिफरेंट एरियल डिस्टेंस, और वो पॉसिबल है किसमें, वो पॉसिबल है
प्लेनर एनवायरनमेंट के अंदर। चलिए बात करते हैं आगे। अब जैसे मान लीजिए हमने यहां पर एक मॉलिक्यूल ले लिया एलीन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहां हाइड्रोजन लगा दिया। तो हाइड्रोजन अगर लगा दिया तो एलीन है। अब मैं यहां हाइड्रोजन के हमें कुछ और लगाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक हाइड्रोजन हटा करके मिथाइल लगा दिया और एक हाइड्रोजन रहने दिया। इस तरफ मैंने यहां पर मिथाइल लगा दिया और यहां पर हाइड्रोजन रहने दिया। अब सबसे जरूरी बात होता है आप ये पहचानिए कि इन्वायरमेंट टेट्राहेड्रल है या फिर इन्वायरमेंट स्क्वायर प्लेनर है। बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने, यहां पर ध्यान से समझिएगा, एक सिंपल सी कहानी लेते हैं, जैसे कल का लेक्चर पर ही बेस्ड है। मान लीजिए हमने यहां पर एक ऐसा ये सिस्टम ले लिया, यहां पर कोई एक एटम रख दिया और यहां से इससे दूसरे एटम्स कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ऐसा सिस्टम लिया, दूसरे एटम्स कनेक्ट कर दिए, यहां पर ए बी सी डी। अब यहां पर ऐसा जो इन्वायरमेंट होगा, इसको मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि स्क्वायर प्लेन ही है, मैं बोल रहा हूं इन्वायरमेंट स्क्वायर प्लेन का है। यहां पर ये स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है। यहां पर क्या होगा, ए और सी, बी और डी, सब क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। लेकिन मान लीजिए टेट्राहेड्रल की बात करें, जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने एक एटम लिया, इस एटम से यहां पर अलग अलग एटम्स कनेक्ट कर दिए। यहां पर एक एटम हो गया ए, यहां पर एक एटम हो गया बी, यहां एक एटम हो गया सी और यहां एक एटम हो गया डी, यहां पर एक एटम हो गया डी। अब टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दोनों ए और बी बोर्ड के प्लेन में है, तो सी और डी बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे रहेंगे। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट आप पहले जानते हैं। तो यहां पर ए और बी अगर बोर्ड के प्लेन में है तो फिर ये सी बोर्ड के प्लेन से ऊपर और डी बोर्ड के प्लेन के पीछे रहेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको डिनोट कैसे किया जाएगा उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल कहानी है। यहां पर जैसे मान लीजिए ये एक बोर्ड के प्लेन से बाहर है और दूसरा बोर्ड के प्लेन के अंदर है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा। यहां पर जो बोर्ड के प्लेन से बाहर है उसको इस तरीके से वेज लाइन के थ्रू डिनोट किया जाएगा। ये हो गया यहां पर सी, और जो बोर्ड के प्लेन से अंदर की तरफ है उसको ऐसे डैश लाइन से डिनोट किया जाएगा। ये हो गया मान लो डी। क्लियर हुआ, ये जो इन्वायरमेंट है ये कैसा इन्वायरमेंट है, दिस इज टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट बात क्या होगा टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट के अंदर, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे यहां पर ये दोनों एटम्स हैं, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट की बात करें, जैसे यहां पर मान लीजिए ये दोनों एटम्स हैं, ए और बी, और ये दो एटम्स हैं सी और डी। इस ए और बी का प्लेन और सी और डी का प्लेन, इसको बोल दिया मान लो प्लेन वन और इसको बोल दिया प्लेन टू, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट का पहचान है। जबकि इस वाले में क्या होगा, ए और बी, या मान लो ए और सी ले लिया, इधर बी और डी ले लिया, ये दोनों सेम प्लेन में रहेंगे। बात समझ में आ गया होगा। अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो जो एटम्स हैं वो सेम प्लेन में रहेंगे, लेकिन अगर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है तो अगर दो एटम्स ए और बी एक प्लेन में है, दूसरे एटम सी और डी दूसरे प्लेन में है, तो ये दोनों प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेगा। ये टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट का मतलब होगा। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट को आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि दो वी है, देखिए एक वी यहां पर दिख रहा है, एक वी यहां पर दिख रहा है, दूसरा वी ऐसा दिख रहा है, दो वी है हमारे पास, दोनों भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में बैठे हैं। मतलब इस वी को अगर मैंने बोर्ड के प्लेन में बनाया तो इस वी को मैं बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर बनाऊंगा। बोर्ड के, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं बोलोगे ये, इसका मतलब ये मत समझिएगा इस वाले लाइन का कि ये वाला जो लाइन है ये बोर्ड के प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे बाहर है बस, ऐसा सीधा सीधा ऐसे परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है। क्लियर हुआ बात इतना, नहीं तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और 90 डिग्री का एंगल तो होता नहीं।
ठीक है, तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक वी हो गया, ये दूसरा वी हो गया, और ये दोनों वी एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है। मैं यहां पर बोल रहा हूं ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में, मतलब अगर ये बोर्ड के प्लेन में है तो फिर ये बोर्ड के प्लेन से बाहर और अंदर वाले प्लेन, मतलब ऐसे रहेगा। क्लियर हुआ? ये दो वी है हमारे पास, ध्यान समझिएगा, दो वी है, एक वी ऐसा है, दूसरा वी ऐसा है। ध्यान देखिए, अभी ये दोनों सेम प्लेन में, दोनों वी, दिस इज स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, दिस इज स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट, ऐसे कर दिया। ध्यान से देखिएगा, एक वी ऐसा है और दूसरा वी ऐसा है, ठीक है ना, ऐसे रख दिया दोनों को। ध्यान से देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, एक वी ये वाले को देखिए ऐसा है और एक ऐसा है, मतलब ये इस प्लेन में है और ये वाला इस प्लेन में है, दिस इज टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट और स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट को पहचानना बहुत ईजी है। यहां पर कल भी हमने डिस्कस किया था, आज भी हमने डिस्कस किया कि अगर आप टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें दो वी जो है वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, दो वी एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो उस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट मिलेगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, इस वी का दूसरा वाला वी है, ये दोनों एक दूसरे से यहां पर परपेंडिकुलर है, तो जो ये एनवायरनमेंट होगा वो कैसा होगा, टेट्रा हेड्रल एनवायरनमेंट। अब आपको ये पहचान में आना चाहिए, काम की बात क्या है जो कल हमने डिस्कस किया था, वही बात है कि अगर मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट रहेगा, अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट रहेगा तो हमको जीआई मिल सकता है, और अगर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रहेगा तो हमको ओआई मिल सकता है। देखिए यहां पर वही कहानी लिखी गई है, अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट रहेगा तो जीआई इज पॉसिबल, अगर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट रहेगा तो ओआई इज पॉसिबल। और उसी बात को यहां पर समझाया गया है कि स्क्वायर प्लेनर, भाई जीआई किस पर बेस्ड होता है, एरियल डिस्टेंस का खेल होता है। जीआई में खेल किस बात का होता है, एरियल डिस्टेंस का खेल होता है, और एरियल डिस्टेंस आपको डिफरेंट कब मिल सकता है, जब हमारे पास यहां पर एनवायरनमेंट कैसा हो, स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट हो। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में एरियल डिस्टेंस हमको सेम मिलेगा, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये डिस्कशन क्यों जरूरी होता है अब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एलीन दे दिया, जिसमें कि या कहें सब्सटीट्यूटेड एलीन दे दिया, जैसे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ले लिया, इधर हाइड्रोजन ले लिया, ये हाइड्रोजन ले लिया और इधर भी हाइड्रोजन ले लिया, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, ये एलीन है। इस एलीन में हमने पहले इसी में बात कर लेते हैं, ये एलीन है, इसमें हमको जीआई पता करना है, तो हमको पहले नेचर ऑफ एनवायरनमेंट पता करना पड़ेगा। चलो पता कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, खतरनाक काम कुछ भी नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए इन दोनों हाइड्रोजन एटम को किसी एक प्लेन में एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको एज्यूम कर लिया, इन दोनों हाइड्रोजन एटम को मैंने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, ये एक हॉरिजॉन्टल है तो अगला वाला क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा, तो फिर अगला वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जाएगा, तो फिर अगला वाला वर्टिकल प्लेन में हो जाएगा। अब जरा फर्स्ट और लास्ट को देखिए, एक हॉरिजॉन्टल है और दूसरा वर्टिकल है, मतलब इन दोनों के प्लेन एक दूसरे से कैसे हैं, परपेंडिकुलर। बहुत सिंपल तरीका होता है, आप वन बाय वन चलिए, ये अगर हॉरिजॉन्टल में है तो फिर ये वर्टिकल में आ जाएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा, तो ये वर्टिकल में आ जाएगा। अब आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल और ये दोनों हाइड्रोजन वर्टिकल प्लेन है, मतलब अगर ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे हैं, तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे। ध्यान से देखिएगा, ये दोनों हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है तो फिर ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा और यहाँ पर वर्टिकल लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोनों इसके बेसिस हम कह सकते हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। जब ये परपेंडिकुलर हो गए, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो गए, तो एनवायरनमेंट कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। अब टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट हो जाने से क्या होगा, इसमें कुछ भी कर दो आप यहाँ पर क्या नहीं देख सकते हो, जीआई नहीं देख सकते हो, क्योंकि एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होने पर क्या
क्या मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल है? नहीं है, मॉलिक्यूल बिल्कुल भी टेट्राहेड्रल नहीं, इसका एनवायरनमेंट टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होने की वजह से, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होने की वजह से यहां पर इसमें टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं, यहां लिख देता हूं टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। टेट्राहेड्रल को शॉर्ट में टीडी से डिनोट किया जाता है, तो वही लिख देते हैं टीडी, टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से एरियल डिस्टेंस सेम हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पर हम लोग जीआई की पॉसिबिलिटी को बात ही नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने, अब कहानी समझते, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसमें एलीन में थोड़ा सा चेंजेस किए और एक नया मॉलिक्यूल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, जीआई यहाँ पर समझना है, जीआई और ओआई समझना। हमने क्या किया, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, इधर हमने लगा दिया मिथाइल, इधर हमने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर हमने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर हमने लगा दिया मिथाइल। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप, इस कार्बन से दो डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। इन्वायरमेंट की बात करते हैं, इन्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। मान लीजिए कि ये हॉरिजेंटल है तो ये वर्टिकल होगा, तो ये हॉरिजेंटल होगा तो ये वर्टिकल होगा। हॉरिजेंटल वर्टिकल, ये कैसा इन्वायरमेंट को बताता है, एक हॉरिजेंटल में है दूसरा वर्टिकल में है, ये टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट को बताता है। ये हो गया। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये मिथाइल और हाइड्रोजन इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, इस कार्बन से डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, तो जीआई पॉसिबल है क्या? नहीं सर, जीआई पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता कि जीआई हो, लेकिन टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है और इधर के दोनों डिफरेंट, इधर के दोनों डिफरेंट, तो ओआई पॉसिबल हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा है, टेट्राहेड्रल, आपको मैंने क्या बताया, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में एरियल डिस्टेंस सेम रहेगा। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में एरियल डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसका डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं। तो अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो गया, एरियल डिस्टेंस सेम हो गया, तो उस कंडीशन में एरियल डिस्टेंस सेम हो गया तो उस कंडीशन में जीआई की पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जीआई का पूरा खेल ही चलता है एरियल डिस्टेंस पर। तो बात आता है कि हो क्या सकता है सर, यहां पर हमने देखा इस कार्बन से दोनों डिफरेंट, इस कार्बन से दोनों डिफरेंट यहां पर, और इन्वायरमेंट टेट्राहेड्रल, तो ओ आई पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये मैंने एलीन का सब्स्टिट्यूटेड एलीन ले लिया, अब आगे की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगला केस लेते हैं, अगला केस लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर अब क्यूमिलिन सिस्टम पे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, और यहाँ पर मैंने लगा दिया मिथाइल, इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर मैंने लगा दिया मिथाइल और इधर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन। जरा ध्यान से देखिएगा, इन्वायरमेंट पहचानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना तो काम नहीं चलेगा, इन्वायरमेंट पहचानने के बिना काम नहीं चलेगा। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हॉरिजेंटल प्लेन में है, तो अगला वाला वर्टिकल प्लेन में आएगा, तो इसको एज्यूम कर लिया, तो हॉरिजेंटल प्लेन में आएगा तो ये वर्टिकल प्लेन में आएगा, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में आएगा, दिखाई दे रहा होगा, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल वर्टिकल, हॉरिजेंटल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये हॉरिजेंटल है, ये वाला हॉरिजेंटल है, मतलब कि ये मिथाइल और हाइड्रोजन अगर हॉरिजेंटल प्लेन में है तो ये मिथाइल और हाइड्रोजन भी हॉरिजेंटल प्लेन में है। इन दोनों को देखिए तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, इसका इन्वायरमेंट कैसा है, बात हो रही है इन्वायरमेंट कैसा है, आप कहेंगे सर ये स्क्वायर प्लेनर, ये स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में है। कैसे इन्वायरमेंट में है, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट में है। तो यहाँ पर अब हम क्या बोल सकते हैं, क्या पॉसिबल है, अगर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया तो क्या पॉसिबल है। देखिए इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप, मतलब मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट, इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप मिथाइल और हाइड्रोजन डिफरेंट, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कनेक्टिविटी कार्बन कार्बन के थ्रू है, इसलिए यहाँ पर सिस और ट्रांस नाम दिया जा सकता है। लेट से दोनों मिथाइल, जैसे ये जो स्ट्रक्चर दिया गया, इसमें मिथाइल मिथाइल सेम साइड में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में, मतलब सेम ग्रुप्स सेम साइड, सेम ग्रुप्स सेम साइड, या कहें एरियल डिस्टेंस कम, क्या हो जाएगा सिस, इसी का दूसरा फॉर्म हो सकता है ट्रांस। लेकिन यहां पर इसके पीछे वाले केस में अगर हम देखें, इसके पीछे वाले केस में देखें, इसमें ध्यान से दिखेगा यहां पर कैसा है, यहां पर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है, तो ये वाला मिथाइल ऐसे ऊपर और हाइड्रोजन पीछे की तरफ रहेगा। अब आप सोचिए इस मिथाइल से इस मिथाइल का डिस्टेंस, इस मिथाइल से हाइड्रोजन का डिस्टेंस सेम आएगा। अगर उल्टा कर दें, मतलब मिथाइल को पीछे ले जाऊं और हाइड्रोजन किधर लेके आऊं, तो इस हाइड्रोजन का मिथाइल से डिस्टेंस इस मिथाइल का
हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन से डिस्टेंस सेम रहेगा, मतलब ध्यान समझिएगा ये मिथाइल हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है, ये जैसा दिख रहा वैसा ही है। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको और सिंपल तरीके से समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं बिल्कुल अलग ही लिख देता हूँ, बिल्कुल अलग तरीके से लिख देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पर ये एक मिथाइल है और ये हाइड्रोजन, ये बोर्ड के प्लेन में है ऐसे, और इस तरफ एक मिथाइल है जो बोर्ड के प्लेन से ऊपर, और दूसरा हाइड्रोजन है जो बोर्ड के प्लेन से अंदर है। इन दोनों पर ध्यान दीजिए, इधर और उधर पर ध्यान दीजिए, अब समझिए बीच में कितना भी कार्बन वगैरह लगाना फर्क नहीं पड़ता। ये मिथाइल हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन में है तो फिर ये मिथाइल और हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड है। यहाँ पर ये अगर ये वाला वी बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला वी बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे, इन्वायरमेंट कैसा है, टेट्राहीड्रल है, बीच में कुछ भी रहने दो, इसलिए बीच में मैं पूरी जगह छोड़ दी है और सीधा टर्मिनल्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पूरा अरेंजमेंट, इसका इन्वायरमेंट कैसा है, इन दोनों का इन्वायरमेंट कैसा है मिला करके, टेट्राहीड्रल इन्वायरमेंट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, मैं बोल रहा हूँ इन्वायरमेंट टेट्राहीड्रल है। अब जरा समझिएगा, ये मिथाइल एक्चुअल बोर्ड के प्लेन से यहाँ पर, अब देखिए इस मिथाइल का इस हाइड्रोजन से डिस्टेंस सेम आएगा। मान लो मैं पोजीशन पलट देता हूँ, मिथाइल को पीछे ले जाता हूँ, तो पीछे वाला जब मिथाइल गया तब उससे इस मिथाइल का डिस्टेंस, पीछे वाले मिथाइल से इस हाइड्रोजन का डिस्टेंस सेम रहेगा। अगर एरियल डिस्टेंस ही सेम रहेगा तो क्या यहाँ पर जी आई पॉसिबल होगा, तो आंसर बिल्कुल नहीं पॉसिबल होगा, बिकॉज जी आई का पूरा खेल चलता है किस पर, एरियल डिस्टेंस पर। बात समझ में आ गया होगा। अब इस केस में हमने क्या देखा, देखिए ध्यान से, ये मिथाइल और हाइड्रोजन अगर ऐसे हैं तो ये वाले मिथाइल और हाइड्रोजन ऐसे रहेंगे, इन्वायरमेंट कैसा है, टेट्राहीड्रल है। अगर इन्वायरमेंट टेट्राहीड्रल है तो जी आई की पॉसिबिलिटी खत्म, ओ आई हो सकता है, लेकिन कैसे हो सकता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इस बारे में इसमें आ जाते हैं, इस वाले में हम क्या देखते हैं भाई, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन जिस प्लेन में है उसी प्लेन में मिथाइल और हाइड्रोजन दूसरे वाले भी हैं। मतलब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ गया तो वहाँ पर जो मिथाइल मिला और हाइड्रोजन मिला वो सेम प्लेन में है, आप देख सकते हैं। अब जरा देखिए, इस मिथाइल का डिस्टेंस एक्स है, अगर मैं पोजीशन पलट दूं, हाइड्रोजन को इधर ले जाऊं, मिथाइल को इधर ले आऊं, तो फिर जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा, एरियल डिस्टेंस बदल गया, जी आई पॉसिबल। बीच में कितने भी कार्बन रहने दो, कहानी समझ में आनी चाहिए। दोनों को कंक्लूड करें तो हमारे पास कहानी क्या, जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले केस को देखिए, इस वाले में क्या देख रहा है आपको, ये मिथाइल हाइड्रोजन का प्लेन, इस मिथाइल हाइड्रोजन का प्लेन परपेंडिकुलर है, टेट्राहीड्रल इन्वायरमेंट है, जी आई पॉसिबल नहीं है। यहाँ इस मिथाइल हाइड्रोजन को जैसे मैंने दिखाया, सेम उसी तरीके से इस मिथाइल हाइड्रोजन को दिखाया, दोनों का सेम प्लेन है, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है, और एरियल डिस्टेंस अलग हो जाएगा, तो जी आई पॉसिबल हो जाएगा। बट बाकी कंडीशंस मीट करनी चाहिए, बाकी कंडीशन मैंने जैसे बताया कि इस कार्बन से लगे हुए दोनों एटम्स या ग्रुप्स डिफरेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बोला रटने की कोई जरूरत नहीं है, लॉजिकली समझेंगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, कोई खतरनाक कंसेप्ट तो है नहीं, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट हैं, कंसेप्चुअली समझ में आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम लॉजिकली समझ रहे हैं, कोई ट्रिक नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि कितना भी कंडीशन आगे एग्जामिनर बनाता बिगाड़ता रहे, अगर हमने कंसेप्ट सीखा है तो कभी कोई गलती नहीं होगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए ऐसा ले लिया, यहाँ पर मान लो थोड़ा मिथाइल हाइड्रोजन बहुत हो गया, नया लेते हैं कुछ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया क्लोरीन, इधर मैंने लिया कार्बन, इधर मैंने ले लिया ब्रोमीन, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पर मैंने ले लिया, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर मान लीजिए ले लिया आयोडीन, चारों तरफ सब अलग अलग ले लिया। हमको पता करना है यहाँ पर पता करना है कि जी आई पॉसिबल है कि नहीं, कंसेप्ट सीखा है तो कोई खतरनाक बात नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्लोरीन ब्रोमीन को एज्यूम कर लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो अगले वाले को देखिए, ये किस में आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में, ये किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये किस में आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में, तो ये किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये किस में आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में, तो ये किस में आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये किस में आ जाएगा, वर्टिकल प्लेन में। फर्स्ट और लास्ट को देखिए, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इसका मतलब क्या हुआ, अगर
मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो, यहां पर इस कार्बन से लगा हुआ क्लोरीन और ब्रोमीन इस बोर्ड के प्लेन में है, तो फिर इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन और आयोडीन बोर्ड के प्लेन से बाहर और अंदर वाले पर मतलब परपेंडिकुलर प्लेन में रहेंगे, तो यहां पर दूसरी तरफ की कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। यहां पर ये हो गया मान लो हाइड्रोजन और ये हो गया मान लो आयोडीन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए क्लोरीन ब्रोमीन बोर्ड के प्लेन में है, इधर देखिए हाइड्रोजन आयोडीन बोर्ड के प्लेन से ऊपर नीचे। इन्वायरमेंट कैसा है इन दोनों को देख करके क्या समझ में आता है, इन्वायरमेंट कैसा है? सिंपल सी बात है, क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल दो भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर गिवन मॉलिक्यूल का इन्वायरमेंट टेट्राहेड्रल होगा, और अगर टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट हो जाए, सेम डिफरेंट ग्रुप्स भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने भी डिफरेंट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने क्लोरीन ब्रोमीन हाइड्रोजन आयोडीन सब कुछ डिफरेंट ले लिया है, कितना भी डिफरेंट कर दीजिए, यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा, बट डिफरेंट ग्रुप्स होने के कारण ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो जाएगा। अगर यहाँ मैं एक तरफ कहीं भी सिमिलर लगा देता, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर H और I की जहाँ मैं HH लगा दिया, सेम ग्रुप लगा दिया, तो वहाँ पर OI की भी पॉसिबिलिटी खत्म। बट वो जब हम लोग OI पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या समझ में आ गया, कितना भी बॉन्ड लगा के दे दे, कंसेप्ट अगर परफेक्ट है तो कुछ भी हमको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में होता क्या है, एरियल डिस्टेंस सेम रहता है। जिसको प्रूफ कर लेते हैं, मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये वाला हाइड्रोजन देखिए ऐसे बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, इस हाइड्रोजन का इस क्लोरीन से डिस्टेंस, ये ऊपर वाले हाइड्रोजन का उस ब्रोमीन से डिस्टेंस सेम होगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो हाइड्रोजन यहाँ बोर्ड के प्लेन से ऊपर है, अब यहाँ से उधर देखिए और नीचे देखिए, क्लोरीन ब्रोमीन दोनों के लिए डिस्टेंस सेम आएगा, पीछे ले जाएंगे तब भी वही डिस्टेंस रहेगा। कुछ नया आपको एरियल अरेंजमेंट या एरियल डिस्टेंस से रिलेटेड अरेंजमेंट नहीं मिलेगा, मतलब एरियल डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर GI नहीं पॉसिबल होगा। बिकॉज GI खेल किसका खेलता है, एरियल डिस्टेंस का खेल खेलता है। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद और केसेस पढ़ लेते हैं। यहां पर हम इसके और केसेस पढ़ लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं। GI in spiro compounds, spiro का मतलब क्या होता है, देखिए अगर दो रिंग या उससे ज्यादा रिंग एक सिंगल सेंटर से कनेक्टेड हो, सिर्फ एक सेंटर से कनेक्टेड है तो उसको स्पाइरो कहते हैं। दो रिंग दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक सिंगल सेंटर से कनेक्टेड हो तो इसको हम स्पाइरो कहते हैं। क्लियर हुआ बात इतना? जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा कॉमनली यूज होने वाला केस ले लेते हैं। ठीक है, ये स्पाइरो हमारे पास आ गया। इसमें हमको बात करना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की, तो कुछ खतरनाक बात नहीं है। ये स्पाइरो कंपाउंड हो गया। स्पाइरो, ठीक है। अब इसमें भी हमको देखना है, बहुत सिंपल कहानी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है दो सेंटर से, मान लीजिए ऐसा ले लिया हमने, और यहां पर देखिए दो सेंटर से कनेक्टेड है ये, इसको कहते हैं बाईसाइक्लो। इसको क्या कहते हैं? बाईसाइक्लो। दो है ना, यहां पर दो सेंटर से कनेक्टेड है, ठीक है, तो इसको कहते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम लोग फिलहाल स्पाइरो पे फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको ऐसा दे दिया, कहानी समझ गए हैं तो कोई खतरनाक काम नहीं है। आपको एग्जामिनर ने कुछ ऐसा दे दिया, ध्यान से देखिएगा, बहुत से लोग डर जाते हैं मॉलिक्यूल देख करके।
डरना मना है, कंसेप्ट सीखने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा दे दिया आपको, छोटा केस पहले लेते हैं, इधर लगा दिया क्लोरीन, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, इधर लगा दिया क्लोरीन, इधर लगा दिया हाइड्रोजन, और पूछा इसमें जीआई पॉसिबल है कि नहीं। मैंने आपको सिंपल तरीका क्या सिखाया, इन्वायरमेंट पहचानिए। मान लीजिए ये हॉरिजेंटल है तो फिर ये क्या होगा, वर्टिकल, तो फिर ये क्या होगा, हॉरिजेंटल, तो फिर ये क्या होगा, वर्टिकल। ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, कैसा इन्वायरमेंट है, सेम। यहाँ पर ये एक हॉरिजेंटल में है और एक वर्टिकल में, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है। टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में क्या जीआई पॉसिबल है, तो सर नहीं सर, जीआई तो पॉसिबल नहीं है। अगर डिफरेंट हो जाए, जैसे इधर देखिए डिफरेंट है क्लोरीन और हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन और हाइड्रोजन डिफरेंट है और टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर पॉसिबल क्या है, तो सर यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, आगे देखते हैं और केस देखते हैं। मैंने इसे बोला कंसेप्ट सीखिए, कंसेप्ट सीखने के बाद आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि लॉजिक काम करता है। लॉजिक अगर आपको एक बार आ गया तो आप नींद में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं खतरनाक एक और देखते हैं केस, कुछ रटने की जरूरत नहीं, लॉजिक पे जाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं ताकि ज्यादा कंसेप्ट सिखा सकें। ऐसे बहुत सारे हमने रिंग को कनेक्ट कर दिया, बट सभी कनेक्शन देखिए सिंगल सेंटर से, नहीं देखिए सिंगल सेंटर से है, ठीक है। यहां पर हमने क्लोरीन हाइड्रोजन, इधर हमने क्लोरीन हाइड्रोजन ले लिया, और हमसे किसी ने पूछा यहां पर बताइए जीआई पॉसिबल है या नहीं, जीआई पॉसिबल है या नहीं। क्या करेंगे, इन्वायरमेंट चेक करेंगे, इसको एज्यूम कर लेते हैं कि हॉरिजेंटल इन्वायरमेंट में है। एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर ये हॉरिजेंटल इन्वायरमेंट में है, अगर ये हॉरिजेंटल है तो ये क्या होगा, वर्टिकल, तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल, तो ये क्या होगा, वर्टिकल, तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल, तो ये क्या होगा, वर्टिकल, तो ये क्या होगा, हॉरिजेंटल। अब आप देखिए जरा ध्यान से, ये हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, दोनों का इन्वायरमेंट कैसा, टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, सर दोनों एक ही प्लेन में है, तो यहां पर इन्वायरमेंट कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट। अगर स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट हो गया और यहाँ के दोनों ग्रुप डिफरेंट, यहाँ के दोनों ग्रुप डिफरेंट, तो सर यहाँ पर क्या पॉसिबल हो जाएगा, तो आंसर है सर यहाँ पर जीआई पॉसिबल, यहाँ पर सर जीआई पॉसिबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, क्यों ऐसा आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्लोरीन और हाइड्रोजन जिस प्लेन में है, यहाँ पर क्लोरीन और हाइड्रोजन उसी प्लेन में है, तो एरियल डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। जैसे जैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसमें क्लोरीन क्लोरीन शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस में, तो यहाँ पर ये एरियल डिस्टेंस कम है। अगर इसका अरेंजमेंट हम बदल दें, हाइड्रोजन को इधर ले जाएं, क्लोरीन को इधर ले जाएं, तो वहाँ पर एरियल डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो ट्रांस का केस बन जाएगा। बहुत सिंपल कहानी, कुछ रटने की बात नहीं है, क्लियर हो गया बात इतना। उसी तरीके से पीछे वाले केस को भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर इस वाले केस में अगर हम देखें, इसलिए मैं आपको साइड में यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन लिखते जा रहा हूँ। क्लोरीन और हाइड्रोजन अगर मान लीजिए ऐसे बोर्ड के प्लेन में है, तो इधर हमको क्या दिखेगा, क्लोरीन अगर बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर चला जाएगा, सॉरी बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, क्लोरीन परपेंडिकुलर नहीं होगा, ठीक है ना, प्लेन परपेंडिकुलर होगा ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई इस क्लोरीन का डिस्टेंस अगर x है, तो इस हाइड्रोजन से इस क्लोरीन का डिस्टेंस भी x रहेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, यहाँ पर क्लोरीन है, ये बोर्ड के प्लेन से ऊपर है। अब यहाँ पे से उधर और हाइड्रोजन जी के पास जाइए, क्लोरीन के पास जाइए, आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा। बात समझ में आ गया। अब बात आता है सर ये हॉरिजेंटल वर्टिकल क्यों रहता है लगातार, समझिएगा ध्यान से भाई, ये हाइब्रिडाइजेशन चेक करिए, यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर ये वी बोर्ड के प्लेन में, तो ये वाला वी बोर्ड के प्लेन से ऊपर आ जाएगा, तो ये हॉरिजेंटल, तो ये वर्टिकल, तो फिर अगला वाला फिर वही, अगर ये वर्टिकल हो गया तो फिर ये हॉरिजेंटल, ऐसे चलता रहेगा। सर यहाँ पर ये स्पाइरो लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर अगर आपको धोखा दे दिया
और आपने ध्यान नहीं दिया तो आप जरूर गलती कर देंगे। देखिएगा एग्जामिनर कैसे धोखा दे सकता है। यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको धोखा दिया और आप प्यार से गलती करके चले आएंगे। समझिएगा स्पायरो ही क्यों लिया हमने, इस बात को भी समझ लेते हैं, वो बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। क्योंकि होता है कि हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और एक बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देते, जो कि ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जामिनर ने क्या किया, ऐसा ले लिया मैंने बोला कि हर जगह सिंगल सेंटर से कनेक्टेड कंडीशन दिखनी चाहिए। मान लीजिए एग्जामिनर ने ऐसा ले लिया और इसे पूछ लिया कि जीआई पॉसिबल होगा कि नहीं। अब लगे हैं लोग यहां पर क्या करने में, अच्छा सरिये वाला हॉरिजॉन्टल, ती वाला वर्टिकल, ती वाला हॉरिजॉन्टल, तो सरिये वाला वर्टिकल, ती वाला हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, सर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट आ गया। इधर डिफरेंट है क्लोरीन हाइड्रोजन, डिफरेंट है इधर क्लोरीन हाइड्रोजन, डिफरेंट है, सर जीआई हो गया और खेल बिगड़ जाएगा। क्यों स्पायरो ही लिया, क्यों स्पायरो ही लिया, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों स्पायरो ही लिया समझना जरूरी है। एक्चुअल में क्या हुआ ध्यान समझिएगा, खेल कहाँ पे आ गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन हो गया कि नहीं, क्या हो गया यहाँ पर, फ्री रोटेशन हो गया। फ्री रोटेशन हो गया तो क्या जी आई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। क्या ओ आई पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। या फिर कहें कि क्या कन्फिग्रेशनल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, सर फ्री रोटेशन आ गया ना, फ्री रोटेशन आ गया तो यहाँ पर जी आई पॉसिबल नहीं है, ओ आई पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ बात, इतना फ्री रोटेशन आ, फिलहाल हम जी आई पे फोकस करते हैं, तो जी आई नहीं पॉसिबल है, ओ आई भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं आया, बहुत सिंपल सी बात है। पता चला हम इधर उधर लगे बैठे हैं और यहाँ पर फ्री रोटेशन था, मेनली जी आई पे ध्यान देते हैं फिलहाल, बाकी जब ओ आई आएगा तो उसके साथ इसको वापस से एक बार और देख लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि क्यों स्पायरो ही लिया जा रहा है। ध्यान से देखिए दोनों में डिफरेंस क्या, समझिएगा ध्यान से दोनों में डिफरेंस क्या समझिए। अगर हमने ये सिस्टम लिया है तो यहाँ पर कहीं भी फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि यहाँ पर तो मतलब, या कहीं यहाँ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इसके पहले, जबकि यहाँ पर रोटेशन क्या हो गया, फ्री हो गया। और ये सब जो कहानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लॉजिकली समझ सकते हैं, इसको आप लॉजिकली समझ सकते हैं, इन्वायरमेंट पहचानिए आंसर मिल जाएगा। ये हो गया यहाँ पर दो केसेस, ठीक है ना, एक हमने पढ़ा क्यूमलिन का और दूसरा हमने पढ़ा यहाँ पर स्पायरो कंपाउंड्स का, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नोट कर लेते हैं फिर इसके आगे बढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए बिगिनिंग में बिल्कुल चलते हैं। यहीं से शुरू किया था, चलिए नोट करिए, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, सब कुछ वीडियो को पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए।
नोट करते जाइए। चलिए इसको नोट करिए। अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करिए, वन बाय वन नोट करते जाइए, बस जल्दी जल्दी नोट करिएगा। इसको नोट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए जी आई इन स्पायरो कंपाउंड्स और ये नोट करिए। अब इसको नोट करिए। अब इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करते जाइए, नोट करते जाइए। और अब इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए। चलिए तो अब आगे पढ़ा जाए, कंसेप्ट सीखिएगा, बस लॉजिक सीखिएगा, सबसे जरूरी है। अगला देखते हैं हम लोग जी आई, जी आई लिखिएगा, जी आई इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जी आई इन इन मोनो साइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए, पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल और इधर हाइड्रोजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा। और अगर यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन पोजीशन ऊपर कर दो, हाइड्रोजन ऊपर मिथाइल नीचे, ऐसे लिखा दिया, तो ये ट्रांस हो जाएगा। हमने पहले डिस्कस किया है कि अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, एक रिंग है, तो वहाँ पर रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पर, और इन्वायरमेंट की बात करें तो ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कि एक केस ले लेते हैं, कोई एक केस ले, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने इसको ले लिया, यहां पर मैंने दिखाया, मान लीजिए मिथाइल को ले लिया, ये मिथाइल ऐसा है तो हाइड्रोजन ऐसा रहेगा, दूसरी तरफ जाते हैं तो यहां पर ये मिथाइल मान लीजिए ऐसा है, और ये हाइड्रोजन। अब जरा ध्यान से देखिए,
बहुत ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए आप यहां पर बात करें, ये दोनों मिथाइल और हाइड्रोजन, अगर मान लीजिए, या फिर सिंपल तरीके समझते हैं, कंसेप्चुअली समझते हैं, यहां पर ठीक है, समझते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल कहानी है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। ये दोनों अगर मान लीजिए हॉरिजेंटल है तो फिर ये वर्टिकल हो जाएगा, तो फिर ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, सिंपल तरीके से जो अभी हमने सीखा उसे समझते हैं। अब आप सोचिए ये और ये कैसे इन्वायरमेंट में है, सेम प्लेन में है, मतलब इन्वायरमेंट कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर, कैसे इन्वायरमेंट हो गया, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर है और डिफरेंट है ग्रुप्स, तो यहाँ पर जी आई हो जाएगा। क्लियर हुआ बात इतना, और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, हम पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया, आप समझ सकते हैं कि भाई sp3 हाइब्रिड है ना, sp3 हाइब्रिड में होता क्या है, दो वी परपेंडिकुलर प्लेन में, तो अगर इसको मैंने बोला बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड है, तो फिर ये रिंग बोर्ड के प्लेन में आ जाएगा, तो फिर ये बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर अपवर्ड डाउनवर्ड, मतलब बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएंगे, ये नहीं बोलना है कि परपेंडिकुलर रहेगा, मिथाइल ऐसे नहीं है, मिथाइल ऐसे है, ध्यान से देखिए, फिर बोलता हूँ, ये मिथाइल ग्रुप ऐसा नहीं है, ऐसे 90 डिग्री पे नहीं है, ये कुछ ऐसे है, तो प्लेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मिथाइल और हाइड्रोजन का प्लेन और इस बोर्ड का प्लेन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मिथाइल परपेंडिकुलर प्लेन में बैठा हुआ है, तो मिथाइल हाइड्रोजन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में है रिंग, और फिर ये मिथाइल हाइड्रोजन बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो फाइनली स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट आ गया। तो इसके बेसिस पे आप लोग इतना तो समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास यहां पर कोई, अगर हमारे पास यहां पर कोई, यहां पर हमारे पास कोई मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर हो तो उसमें भी जीआई पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता है कि मोनोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो होता है, इन्वायरमेंट स्क्वायर प्लेनर है, तो आपको ये हो गया। अब बात आता है सर कैसे पहचानेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल होता है, जो आप पहले कंडीशन पढ़े हो बिल्कुल वैसा ही कंडीशन चाहिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने हमने यहां पर यहां पर हमने एक ऐसा रिंग ले लिया, ठीक है, इसमें अभी सभी जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा हुआ है, सब जगह क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सब जगह एच एच लगा हुआ है, तो हमको कुछ नया अरेंजमेंट नहीं मिलने वाला है, इसलिए यहाँ तो जी आई की बात हो नहीं सकती, नहीं हो सकता। लेकिन मान लीजिए हमने यहाँ पर क्या किया, ये रिंग ले लिया, इसमें यहाँ पर हमने मान लो मिथाइल लगा दिया और दूसरी जगह कहीं पर और एक मिथाइल लगा दिया, या फिर कुछ और ग्रुप हाइड्रोजन लगा, क्लोरीन लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया, कुछ और लगा दिया, मान लीजिए मिथाइल ले लेते हैं, इजी वाला केस, यहाँ पर मान लो मिथाइल लगा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी आई पॉसिबल हो जाएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसा लिया, एक मिथाइल यहाँ लगा दिया और एक मिथाइल यहाँ लगा दिया, तो भी यहाँ पर जी आई पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए सिर्फ एक ग्रुप लगाया हो आपने, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने यहाँ पर एक ग्रुप लगा दिया और दूसरा कुछ लगाया ही नहीं, तो जी आई पॉसिबल नहीं हो पाएगा, भाई उसके रेफरेंस में दूसरा तो चाहिए, रेफरेंस में दूसरा तो चाहिए, ठीक है चलिए आगे केसेस देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ऐसा ले लिया, यहाँ पर हमने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर हमने ब्रोमीन लगा दिया, डिफरेंट हो गया ना, दो जी आई पॉसिबल हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से बिल्कुल सेम वही कंडीशन जो पहले हमने पढ़ा है, कुछ खतरनाक बात नहीं है। चलिए इसी बात को आगे एक्सटेंड करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए, यहां पर मान लीजिए ऐसा बोला गया, ठीक है, आपको यहां पर मान लीजिए ऐसा बोल दिया गया, ध्यान से देखिएगा, मिथाइल मिथाइल, ये ऐसा ऐसे कर्ल करके दिखाने का मतलब होता है कि पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, या थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इज नॉट डिफाइंड, पोजीशन इज डिफाइंड, सॉरी पोजीशन इज डिफाइंड बट थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट इज नॉट डिफाइंड। यहाँ दो केसेस बन सकते हैं, क्या केसेस बन सकते हैं ध्यान समझिएगा, यहां पर एक केस ये बन सकता है
कि ये मिथाइल और दूसरा मिथाइल दोनों सेम साइड में हो। जैसे देखिए दोनों को मैंने वेज से दिखा दिया, एक पॉसिबिलिटी हो सकती, या फिर ऐसा ही डैश बना दोगे तो वो एक ही पॉसिबिलिटी में काउंट कर लेंगे फिलहाल के लिए। दूसरी तरफ चलते हैं, यहां पर एक हो सकता है भाई एक मिथाइल अगर वेज में है तो दूसरा मिथाइल डैश में आ जाए, तो ऑब्वियस यहां पर एरियल डिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा, ये हो जाएगा हमारा सिस, और यहां एरियल डिस्टेंस ज्यादा रहेगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रांस। बहुत सिंपल है, कुछ खतरनाक बात नहीं है, ये हो गया। और भी केसेस देख सकते हैं अपन, जैसे मान लीजिए हमको यहां पर ऐसा दे दिया, मिथाइल, इधर मैं थोड़ा दूसरा ग्रुप ले लेता हूं, ठीक है, तो यहां पर मैं ले लेता हूं मान लो क्लोरीन, ठीक है। अब इस तरीके से ऐसे कर्ल करके दिखाया, इसका मतलब कि पोजीशन डिफाइंड नहीं है। यहां पर दो केसेस बनेंगे, क्या बनेंगे केसेस देखिएगा ध्यान से, अभी के हिसाब से दो केसेस, बाकी आगे और भी केसेस बन सकते हैं जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। एक हो सकता है भैया देखो ये मिथाइल और ये क्लोरीन दोनों वेज पर हो, तो बचा हुआ हाइड्रोजन इधर डैश में चला जाएगा, ये एक केस बन सकता है। इसमें दूसरा केस क्या बन सकता है, इसमें दूसरा केस बन सकता है मिथाइल वेज पे और इस तरफ यहां पर क्लोरीन डैश पे चला गया और हाइड्रोजन वेज पे चला गया। तो जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, अब यहां पर मान लीजिए मुझे सिस ट्रांस नाम देना हो, अच्छा इन्वायरमेंट भी पहचान सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल अगर है तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर इन्वायरमेंट है। यहां देखिए अब कैसे सिस ट्रांस पे जानेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों कहां पर है डैश में, मतलब नियरेस्ट पोजीशन पे है, तो ये क्या हो जाएगा सिस। इस वाले में देखिए हाइड्रोजन वेज पे और इधर का हाइड्रोजन डैश पे, ज्यादा एरियल डिस्टेंस पे है, क्या हो जाएगा ट्रांस, ये हो गया। तो इस तरीके से केसेस बन सकते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आएगा जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करेंगे, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ लिया कि इसी साइक्लोहेक्सेन को इसके चेयर कन्फर्मेशन में, इस साइक्लोहेक्सेन को इसके चेयर कन्फर्मेशन में एग्जामिनर ने दिया और आपसे यहां पर पूछ लिया, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ये हमने साइक्लोहेक्सेन लिया और साइक्लोहेक्सेन को हमने यहां पर इसके चेयर कन्फर्मेशन में ले लिया, ये इसके चेयर कन्फर्मेशन ले लिया और यहां पर ग्रुप्स लगा दिए। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं ग्रुप्स लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, देखिए क्या करना है, नीचे वाले को ऐसे परपेंडिकुलर करो, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसलिए यहां पर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, ठीक है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हमने यहां पर कुछ ग्रुप्स लगा दिए, करना कुछ नहीं होता, नीचे वाले कार्बन से ऐसे नीचे की तरफ लाइन खींचो, ऊपर वाले कार्बन जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसमें ऊपर की तरफ लाइन खींचो, जो नीचे की तरफ जा रहा है उसमें नीचे की तरफ लाइन खींचो, ठीक है, ये हो मैंने लगा दिए कुछ। और उसके अलावा यहां पर हम क्या करेंगे, दूसरे ग्रुप्स लगाएंगे टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट के हिसाब से, ये दूसरे ग्रुप्स लगा देते हैं, ये मैंने ग्रुप्स लगा दिया, इनके मैं नाम दे देता हूं, मान लीजिए इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया बी, इसको बोल दिया सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, इस तरीके से मैंने यहां पर ग्रुप्स के नाम दे दिए। अब यहां पर क्या होगा, हमको पहले इसमें पोजीशन पहचान में आना चाहिए कि सिस कौन है ट्रांस कौन है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं,
जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको ऐसे दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया और ऐसे क्लोरीन लगा दिया, और पूछ लिया बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि ये जो गिवन मॉलिक्यूल है ये सिस में है या ट्रांस में है। मैक्सिमम लोग क्या गलती करेंगे, अच्छा सर दोनों हमको एक ही साइड में दिख रहे हैं, सर सिस होगा। मैक्सिमम लोग यही आंसर करेंगे, सिस होगा। तो अगर साइक्लोहेक्सेन को वेज डेस्मन में ना दिखा करके, जैसे इसके पहले वाले केस में देखिए, इसके पहले वाले केस में देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्या किया, ऐसे वेज और डैश पे दिखाया है, ये साइक्लोहेक्सेन है और इस पे ग्रुप लगे हुए हैं, इनको हमने वेज डैश पे दिखाया, ठीक है। जबकि साइक्लोहेक्सेन का एक्चुअल स्ट्रक्चर आप सबको पता है कि ऐसे नहीं रहता है, ये ऐसे चेयर कन्फर्मेशन में रहता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये एक्चुअल में ऐसे रहता है, ठीक है ना, क्लियर हो गया बात इतना। तो जब ये ऐसे रहता है तो एग्जामिनर यहां पर हो सकता है, यहां पर इस तरीके से एग्जामिनर आपको दे दे, जैसे मान लो यही दे दिया और कोई दूसरा फॉर्म दे दिया और पूछ लिया कि ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या फिर सिर्फ कन्फर्मर्स हैं, कन्फर्मेशन पुरानी कहानी है उस पर बेस्ड। तो चलिए पहले तो हमको यहाँ पे पहचान में आना चाहिए कि सिस और ट्रांस कैसे पहचानेंगे। चलिए उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल है, रूल ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है पहचानना। अगर मान लीजिए जिन भी ग्रुप्स की बात कर रहा, दोनों अप अप हो या फिर दोनों डाउन डाउन हो, अप अप डाउन डाउन सेम ग्रुप होंगे तभी बात होगी सिस ट्रांस की। अप अप डाउन डाउन सिस, अप डाउन मतलब एक अप दूसरा डाउन, या फिर जिसको आप पहले देखे वो डाउन और दूसरा अप, ऐसी कंडीशन हो तो वहां पर ट्रांस होगा। बहुत ही सिंपल है पहचानना, मैंने क्या बोला अप अप क्या रहेगा सिस, अप अप डाउन डाउन सिस, अप डाउन डाउन अप ट्रांस, बहुत ही सिंपल है पहचानना। अब चलिए मान लीजिए हमको ये वाला केस दिया गया और इसमें हमको यहां पर, इसमें हमको यहां पर सिस ट्रांस पहचानना है। चलिए ये यहाँ पर इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ठीक है, चलिए ये हो गया। अब इसमें हमको पूछ लिया गया है, मान लीजिए हमको पूछा, अब ऑब्वियस है दो अलग अलग के लिए पूछेगा, जैसे मान लीजिए हमने ए ले लिया और जैसे मान लीजिए हमसे बोला ए डी, दो तीन एग्जांपल लेंगे कहानी समझ में आ जाएगी। ए डी, ए और डी को देखिए, ए कहां दिख रहा है नीचे की तरफ जाता हुआ डाउन, और डी कहां दिख रहा है ऊपर की तरफ जाता हुआ अप, डाउन अप डाउन अप, क्या हो जाएगा ट्रांस। फिर मान लीजिए कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए हमसे पूछ दिया सी एंड जे, सी देखिए कहाँ है नीचे की तरफ, ठीक है ना, और जे कहाँ पर है ऊपर की तरफ, डाउन अप डाउन अप ट्रांस। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमसे बोल दिया यहाँ पर जे एंड के, कई बार यहाँ पर इस जे को ऐसे भी दिखा सकता है, ये बाहर भी एग्जामिनर दिखा देता है, तो वो भी कर देते हैं, यहाँ पर ऐसे दिखा दिया, ऐसे। चलिए ये वाला केस लेते हैं, आपसे एग्जामिनर ने बोल दिया जे के, जे देखिए कहाँ है अप ऊपर की तरफ, और के कहाँ है डाउन, अप डाउन क्या हो जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, अप डाउन क्या हो जाएगा ट्रांस। देखिए ध्यान से एक बार फिर रिपीट करता हूं, ए डी को देखिए, ए डाउन डी अप डाउन अप, उल्टा डायरेक्शन में है डाउन अप ट्रांस। सी और जे को देखिए, सी यहां पर है जे यहां पर है, सी देखिए डाउन जे कहां अप डाउन अप, ये देखिए नीचे की तरफ जा रहा है सी डाउन, जे कहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ अप डाउन अप ट्रांस, जे के जे दिखे कहाँ जा रहा है अप, के कहाँ जा रहा है डाउन अप डाउन ट्रांस।
फोर देख लेते। मान लीजिए आपसे बोल दिया यहां पर एग्जामिनर ने आई एंड के, इस तरीके से बहुत सारे केसेस लिख सकते हैं, मैं कुछ समझा देता हूं। आई, आई को देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, आई यहां पर है, ये देखो ध्यान से, आई इधर है, आई कहां है डाउन, और के कहां है डाउन, देखिए आई डाउन के डाउन, आई डाउन के डाउन, डाउन डाउन क्या हो जाएगा सिस। और केसेस लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कुछ और लेते हैं, मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए, यहां पर बोल दिया जाए बी एंड, बी एंड एच, मैं बिल्कुल रैंडम ले रहा हूं जानबूझ करके ताकि ज्यादा ज्यादा समझा सकूं। बी को देखिए अप है, ऊपर जा रहा है अप, एच को देखिए अप 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 अप, दोनों ऊपर ऊपर जा रहे हैं, क्या हो जाएगा सिस। एक और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं यहां पर ई एंड, ई एंड सी, ई एंड सी, सी तो हो गया ना शायद, कहीं आ गया सी पहले आ गया है, तो दूसरा कुछ नया लेते हैं ई एंड के ले लेते हैं, चलिए ई एंड के, चलिए ई को देखिए, ई कहां है डाउन, के कहां है डाउन, डाउन 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 डाउन, क्या हो जाएगा सिस। बहुत ही सिंपल है यहां पर पहचानना, बहुत से लोग क्या है कंसेप्ट नहीं लगा पाते तो गलती कर देते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखिए आपको मैंने सिंपल सा बोला दोनों अप अप डाउन डाउन दिखे सिस, अप डाउन डाउन अप दिखे ट्रांस, कितना सिंपल है पहचानना। इसको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का कंसेप्ट पहले सिखाया गया है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में, ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसी के थ्रू पूरी कहानी समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर एग्जामिनर ने, यहाँ पर एग्जामिनर ने हमको एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं पूरी कहानी को समझने के लिए। एग्जामिनर ने हमको यहाँ पर ऐसा दे दिया, यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन लगा दिया, इधर मान लीजिए यहां पर भी क्लोरीन ही लगा देते हैं, चलो क्लोरीन क्लोरीन लगा दिया, फिर यहां पर दूसरा एग्जांपल, दूसरा केस लेते हैं, यहां पर इधर क्लोरीन ऐसे ले लिया और हाइड्रोजन ऐसे ले लिया, क्लोरीन ले लिया, एक सेकेंड वापस से ड्रॉ करता हूं, यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आपको साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मेशन दिया, इसमें एग्जामिनर ने यहां पर क्लोरीन लगा दिया, इधर क्लोरीन लगा दिया, तो ऑब्वियस यहां पर दूसरा आइटम हाइड्रोजन होगा, यहां दूसरा आइटम हाइड्रोजन होगा, इसको बोल दिया हमने फर्स्ट, ठीक है ये एग्जाम्पल देख रहे हैं अपन, ठीक है ना। फिर दूसरा केस लिया, क्लोरीन एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दूसरा इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, इधर क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। फिर तीसरा केस ले लेते हैं, ऐसा ले लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है ये तीन केसेस ले लिए, इसको बोल दिया सेकंड और इसको बोल दिया थर्ड, और अब हमको इनके बीच में रिलेशन बताना है कि इनमें से कन्फिग्रेशनल आइसोमर्स कौन से हैं और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कौन से। अगर आप कंसेप्ट जानते हैं तो आप बता देंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट को देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं, यहां पर फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट फर्स्ट में क्या दिख रहा है क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन अप, दूसरा क्लोरीन डाउन, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, अपोजिट है ना। फर्स्ट क्या हो जाएगा ट्रांस, क्लोरीन सब में देखिए वन टू पोजीशन पे है, वन टू पोजीशन पे है, वन टू पोजीशन, पोजीशन नहीं बदल रहा है, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो नहीं हो सकता, स्टीरियो हो सकता है, कनेक्टिविटी सेम है। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में हम क्या देखते हैं क्लोरीन डाउन, क्लोरीन डाउन 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 डाउन, क्या हो जाएगा सेकेंड सिस। थर्ड को देखते हैं, थर्ड
थर्ड में देखिए, क्लोरीन डाउन, ये वाला क्लोरीन अप, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, क्या हो गया? ट्रांस। अब जरा इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलता है वो इंपॉर्टेंट होगा। क्या कंक्लूजन निकलेगा ध्यान से देखिएगा। अगर हमसे किसी ने पूछा वन एंड टू, एक सिस दूसरा ट्रांस, वन एंड टू ये दोनों क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। आपसे किसी ने बोला टू एंड थ्री, टू एंड थ्री, तो सेकेंड में देखिए क्या है, यहां पर सेकेंड में देखिए क्या है, सिस, और थर्ड में क्या है, ट्रांस, सिस ट्रांस, ये क्या हो जाएंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे। जबकि मान लीजिए यहां पर हमसे किसी ने फर्स्ट एंड थर्ड पूछ लिया, फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट क्या है, ट्रांस, थर्ड क्या है, ट्रांस, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर कुछ और ऑप्शन दे। क्या दे? यहां पर जरा ध्यान से देखिए, दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पे हैं, जबकि इस वाले में दोनों क्लोरीन एक्सियल एक्सियल पे आ गया। फर्स्ट में क्लोरीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल और थर्ड में क्लोरीन एक्सियल एक्सियल। जिसको इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं पता है, वो पहले कन्फर्मेशन के अंदर जब ये पढ़ाया गया है साइक्लोहेक्सेन के बारे में, तो वहां से आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते तो ये आप समझ में नहीं आएगा। ये पूरी कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, ये पूरी कहानी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं साइक्लोहेक्सेन के लिए, एक्सियल कौन इक्वेटोरियल कौन, ये सब हम पहले जानते हैं। तो हमने वन में क्या देखा कि दोनों क्लोरीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, थर्ड में दोनों क्लोरीन एक्सियल एक्सियल। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड में बदलना है, इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक्सियल में बदलना है, ध्यान समझिएगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड को एक्सियल में बदलना है, एक्सियल को इक्वेटोरियल में बदलना है। तो हमें वहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं करना पड़ता है, बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक फ्री रोटेशन से हम लोग इसको बदल सकते हैं। अगर फ्री रोटेशन आ गया तो कौन सा आइसोमेरिज्म? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? कन्फर्मेशनल। मान लीजिए वन को टू में बदलना हो, तो देखिएगा ध्यान से, ये इक्वेटोरियल है, ये अभी भी इक्वेटोरियल ही है, ये इक्वेटोरियल था, एक्सियल हो गया, एक इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल ही रह जाए और एक इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाए, ऐसा बिना बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग के पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों इक्वेटोरियल एक्सियल में बदल जाए, ये पॉसिबल है विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग एंड मेकिंग। वो पुरानी कहानी है, हमने क्या सीखा, इक्वेटोरियल को एक्सियल में और एक्सियल को इक्वेटोरियल बॉन्ड में बदलना है, तो फ्री रोटेशन से काम हो जाएगा। हम लोगों ने पूरी कहानी पढ़ी है कि चेयर है, चेयर से हाफ चेयर बनेगा, हाफ चेयर से फिर ट्विस्ट बोर्ड बनेगा, ट्विस्ट बोर्ड से बोट बनेगा, फिर ये कहानी रिपीट हो जाएगी, फाइनली एक नया चेयर मिलेगा। पहले वाले चेयर और बाद वाले चेयर में डिफरेंस क्या आएगा कि पहले वाले में जो इक्वेटोरियल रहा होगा बाद वाले में वो एक्सियल हो जाएगा, पहले वाले में जो एक्सियल रहा होगा वो इक्वेटोरियल हो जाएगा। ये कहानी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप चाहते हो, यहाँ पर आप चाहते हो कि वन को थ्री में बदल दो, मतलब दोनों इक्वेटोरियल को एक्सियल में बदल दीजिए, तो इसके लिए हमको सिर्फ एक फ्री रोटेशन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे, ये कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होंगे। तो अब आप समझ चुके होंगे कि मैंने आपको ये वाली कहानी क्यों पढ़ाई, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, आपको बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन देगा, बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत छोटा, देख सकते हैं आप, ये कहानी आप पहचान गए अप डाउन की, तो आप आंसर कर लेंगे, नहीं तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से गलत करके आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। हम लोगों ने यहां पर हेडिंग लिखा था जी आई इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो चलिए जल्दी से नोट करना चालू कर दीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लिख सकें। जी आई इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, चलिए नोट करिए जल्दी से। यहां पर स्क्वायर प्लेनर लिखा हुआ है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, ठीक
ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए। देखिए मेरा सिंपल सा पर्पज ये है, आप कंसेप्ट सीख जाइए, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाकी तो फिर रटने को हजार चीज रट लीजिए, आप कंसेप्चुअली सीख गए तो कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। चलिए अब आप इसको नोट करिए, ये नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया होगा तो एक बार फिर ला देता हूं आपकी स्क्रीन पर। GI इन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, फिर इसके बाद कंडीशंस फॉर GI, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करिए, इन दोनों को नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करते जाइए वीडियो को पॉज करके। ठीक है चलिए आगे, पहले इसको नोट करिए, एक सिंगल रख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन की बात ना क्रिएट हो। चलिए वीडियो को पॉज करके ये नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट करिए। चलिए अब इसको भी नोट कर लीजिए, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसमें आपको इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलेशन बताना है, मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं या फिर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर क्या है, आइडेंटिकल है या क्या है, जो भी है इसका आपको आंसर करना है। तो चलिए जल्दी से इसको एक बार सॉल्व करिए खुद से, वीडियो को पॉज करके फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो देखा जाए, यहां पर देखिए ये मिथाइल अप, ये मिथाइल अप, मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल हो जाएगा सिस। यहां देखिए मिथाइल वेज पे, मिथाइल वेज पे सेम साइड में है, ये भी क्या हो जाएगा सिस। इसका मतलब और पोजीशन देखिए 1 2 3 4, 1 4 पोजीशन पे मिथाइल है, यहां देखिए 1 2 3 4 कनेक्टिविटी सेम, पोजीशन सेम, बस थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट यहां पर आपको दिखाया गया है और जो कि सेम है। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। अब आपको यहां पे अगर ये रिलेशन नहीं आता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे, छोटा सा ही क्वेश्चन है बट कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। जैसे पिछले वाले केस में कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की जगह में हो सकता है ऑप्शन में आइडेंटिकल भी रहे, लेकिन अगर मान लीजिए एक्सियल इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन चेंज हो गए हो, थ्री डायमेंशनल पोजीशन, क्लियर हुआ, पोजीशन से मतलब वो पीछे वाला स्ट्रक्चरल का पोजिशनल आइसोमेरिज्म मत समझ लेना। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ दिखे कि 3D में आपको एक्सियल की जगह इक्वेटोरियल हो गया, इक्वेटोरियल की जगह एक्सियल हो गया, तो कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कह सकते हैं। ऑप्शन में ये नहीं है तो आप आंसर वहां पर आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, लेकिन इस केस में आपके पास एक दिया है चेयर में और एक इस तरीके से दे दिया, तो इसमें तो अपन बता ही नहीं कर सकते कि भाई ये कौन से पोजीशन में, एक्सियल वाले में कि इक्वेटोरियल पोजीशन में है, तो फिर अपन आइडेंटिकल आंसर ही करेंगे और कोई चॉइस हमारे पास नहीं है। तो ये हो गया यहाँ पर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर इसके अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे का डिस्कशन देखेंगे। आज जो पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो आज की कहानी सिंपल सी इतनी है कि अगर स्क्वायर प्लेनर एनवायरनमेंट है तो GI हो सकता है, और अगर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट है तो OI हो सकता है। होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा कि बाकी कंडीशंस मीट कर रही हैं या फिर नहीं। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।